अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सो फाइनली आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। सैटरडे को आप लोगों को पता है कि मुश्किल से ही टेक शो की वीडियो आती है, और संडे को हमारी क्यू एन ए की वीडियो आती है, जिसके लिए आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के नीचे लाजमी तौर पर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं उस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर सकूं। और मैंने ये चीज़ भी अब नहीं स्टार्ट किया कि जो पूरे वीक के अंदर वीडियोज़ के नीचे इंपॉर्टेंट कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैं उनको भी इंक्लूड कर रहा होता हूं। तो अगर आपने पहले कमेंट किया हुआ है, पिक नहीं हुआ, तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि रैंडम वो काफ़ी वीडियोज़ हो जाती हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है कि चूज़ करना। लेकिन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, तो आप लोगों को अगर रिप्लाई नहीं ना आता फिर भी, तो यह पहली बात होती है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ऑलरेडी कर चुका हूं होता हूं। अगर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपने शायद वो वीडियो देखनी होती पूरी। इसके अलावा मैं पूरी कोशिश कर रहा होता हूं कि भाई रिप्लाई नीचे भी कर कर दूं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बात करें पहली अपडेट की जो कि आ रही है एप्पल के एयरटैग्स के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि एप्पल के एयरटैग्स एक सुपर यूजफुल चीज़ है। लाइक आप लोगों ने किसी भी चीज़ को ट्रैक करना, लोग क्या करें कि गाड़ियों के अंदर जो ट्रैकर होते हैं उनकी जगह के ऊपर एप्पल का एयरटैग रख देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करता है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अभी रिसेंटली दो खबर तीन थी, पता नहीं लड़कियां थी, इन्होंने एप्पल को सू कर दिया क्योंकि इनको ट्रैक भी किया जा रहा था। लाइक एक तो ये चीज़ है ना कि आप अपनी किसी प्रोडक्ट के साथ उसको अटैच कर दो, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप किसी और की प्रोडक्ट के साथ उसको अटैच कर दो तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। अब पहला सीन ये था कि एक बॉयफ्रेंड, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की कार के साथ उसको अटैच कर दिया, उसको ट्रैक कर रहा था। इसके अलावा दूसरा केस ये था कि एक बच्चे के बैकपैक के अंदर आई थिंक उसके फादर ने रख दिया, वो भी उसको ट्रैक कर रहा था। अब इन दो औरतों ने एप्पल को सू कर दिया कि भाई हमारी प्राइवेसी आपकी प्रोडक्ट की वजह से ख़राब हो रही थी। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एप्पल एयरटैग के अंदर आपको एक फीचर मिलता है कि अगर आपके फ़ोन के करीब कोई ऐसा एयरटैग मौजूद है ना जो कि आपका अपना नहीं है, आपके फ़ोन के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, तो आपको अलर्ट दे देता है एप्पल। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इन लोगों को अलर्ट क्यों नहीं गई, लेकिन इस किस्म का कोई सीन हुआ है। देखते हैं एप्पल क्या करता है इसके बारे में, एप्पल नोटिस करता है या फिर नहीं करता, क्योंकि इस किस्म के हज़ारों जो सूज होते हैं ना एप्पल को होते रहते हैं। लेकिन काफ़ी एक वियर्ड चीज़ है कि आपको कोई बंदा ट्रैक करा भाई 24 घंटे आपकी गाड़ी कहां पर जा रही है, लोकेशन को पता चल रही है, तो काफ़ी एक स्केरी चीज़ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि आ रही है शाओमी 13 सीरीज़ के रिलेटेड, तो काफ़ी डिले होगी हुई है। 11th December को इसको लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन एक काफ़ी कमाल का फीचर शाओमी ने टीज़ कर दिया हुआ है। शाओमी 13 सीरीज़ के अंदर आप लोगों को जो बैक पैनल मिलेगा ना, वो नैनो टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। अब इसका फायदा यह है कि आपका जो बैक पैनल है वो काफी ज्यादा डस्ट कलर्स जो भी चीजें लगती हैं चिपकती हैं बैक साइड के ऊपर वो प्रूफ हो जाएगा, आप लोग उसको इजीली क्लीन कर सकोगे। अब ये कितना एक यूजफुल फीचर है ये उन लोगों के लिए सिर्फ जो कि विदाउट केस यूज कर रहे हैं। हमें भाई बैक साइड के ऊपर आप हीरा लगा दो, कुछ भी लगा दो, हम लोगों ने ऊपर केस तो लगाना ही होता है, लेकिन ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। आई थिंक इस टेक्नोलॉजी को लैपटॉप वगैरह के लिए भी आना चाहिए अगर ये सस्ती है तो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई सस्ती टेक्नोलॉजी है। अगर आपका फोन गंदा हो भी तो आप लोगों ने सिर्फ एक दफा वाइप करना है, टोटली तौर पर क्लीन हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो चिपकती ही नहीं है बैक साइड के ऊपर। अब क्योंकि यहां हम लोगों ने एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बात की है, तो जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। अब डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर एक नई चीज है। अभी रिसेंटली टेक्नो ने अपने दो स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया, एक तो है टेक्नो फैंटम एक्स और दूसरा है एक्स प्रो। अब इसके अंदर जो एक्स प्रो है ना, उसकी बैक साइड के ऊपर आप लोगों को रिट्रैक्टेबल पोर्ट्रेट लेंस मिलेगा। अब ये एक पहली दफा किसी भी कंपनी ने एक स्मार्टफोन के अंदर रिट्रैक्टेबल पोर्ट्रेट लेंस को यूज किया है। अब आप अगर नोटिस करो ना, बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का पूरा एक सिस्टम है, जो अरेंजमेंट अलग ही रहा है कि स्मार्टफोन के अंदर कैमराज नहीं लगे हुए, लग ही रहा है कि कैमरा स्मार्टफोन, क्या कह रहा हूँ भाई, थोड़ा सा ना मिक्स हो गया, लग ये रहा है कि स्मार्टफोन के अंदर कैमराज नहीं लगे हुए बल्कि कैमरा के अंदर एक स्मार्टफोन लगा हुआ है। अब बेसिकली ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, इस किस्म की जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं, शाओमी का जो पूरा फोल्डेबल ऐसे 360 डिग्री डिस्प्ले वाला फ़ोन था, इस किस्म की प्रोडक्ट्स को एज अ टेस्टिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है, इन्होंने पब्लिक के अंदर आना नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि ये टेक्नो का फैंटम एक्स 2 प्रो पब्लिक के अंदर आएगा। कंपनीज क्या करती हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, उनको काफ़ी अच्छी मार्केटिंग मिल जाती है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा मतलब उन्होंने सिस्टम बनाया। एक्चुअल में किस किस्म की क्वालिटी मिलती है वो बाद में चीज पता चलेगी, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि मिड रेंज के अंदर एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स या फिर कुछ और ब्रांड्स, टेक्नो की जो कैमरा गेम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लाइक उन्होंने अपनी कैमरा AI को, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन को काफी इंप्रूव किया है, तो डेफिनेटली जो कैमरा की क्वालिटी होगी वो हम लोग उसके लिए थोड़ा सा मतलब अच्छी होप्स रख सकते हैं। बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो कि व्हाट्सएप के बारे में, तो भाई जो मेटा वाले हैं अपनी प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स हैं इधर
से इधर घुमा रहे हैं, इधर से इधर घुमा रहे हैं, तो वो आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर बहुत जल्द अवतार्स का ऑप्शन मिलेगा। अवतार आप लोगों को पता होंगे एक 3D टाइप के करेक्टर होते हैं, आप लोगों को 36 ऑप्शन मिलेंगे या फिर आप लोग कस्टम भी चूज कर सकोगे। अब ये कार्टून होता है बेसिकली, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी का कोई भी कार्टून मतलब लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकोगे। तो इस किस्म का बहुत जल्द आपको फीचर मिलने वाला है। अभी ये टेस्टिंग के ऊपर फीचर चल रहा है, आप इसको एज अ प्रोफाइल पिक्चर यूज कर सकोगे, मे बी किसी को सेंड वगैरह भी करना इमोजी शिमोजी के तौर पर, यानी कि जो रिएक्शंस होते हैं वो भी आपको एज ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन अभी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह के लिए इसको कहा जा रहा है। जिस किस्म का आप लोगों को स्नैपचैट के ऊपर ऑप्शन मिलता है, काफी हद तक उसी से ही ये कनेक्टेड है, उस किस्म का ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये कोई खास अच्छी अपडेट नहीं है आईफोन यूजर्स के लिए। अब आप लोगों को पता है कि एप्पल के ऐप स्टोर की जो फीस है ना वो तकरीबन 30% है, वो लेते हैं लाइक कोई भी ऐप डेवलपर है या फिर कोई भी वहां पर काम कर रहे हैं ना, उन्होंने 30% जो रेवेन्यू का शेयर होता है वो लेना ही लेना होता है। इससे पहले काफी ज्यादा आपस में बहस चलती रही, लड़ाई चलती रही एप्पल की और फेसबुक की, लेकिन एप्पल वालों का भाई अगर आईफोन्स के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, फेसबुक ने रहना, तो आपको 30% शेयर देना ही पड़ेगा। अब आपको पता है कि रिसेंटली एप्पल की और ट्विटर की आपस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब ये मसला सोल्व हो गया हुआ है। सोल्व किस कॉस्ट के ऊपर हुआ है, आप लोगों ने वो कॉस्ट पे करनी है। अब आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर इलोन मस्क साहब कोई ब्लू टिक पता नहीं क्या अजीब से तमाशे लगा रहे हैं, गोल्डन टिक पता नहीं ब्लू ग्रे टिक, इन शॉर्ट आपको $11 पे करने पड़ेंगे। अब आप लोग कैश अब सोच रहे होंगे कि भाई $11 कहाँ से आ गए, क्योंकि पहले तो हम लोग ने $7-8 की बात की थी। तो अगर आप लोगों को आईफोन के ऊपर ब्लू टिक चाहिए, ब्लू बैच चाहिए, तो आपको 7 की बजाय $11 पे करने पड़ेंगे। अब ये $11 इसलिए क्योंकि 30% ऊपर वाले जो $4 है ना, ये एप्पल को डायरेक्टली तौर पर जाएंगे, यही इनकी आपस में सेटलमेंट हुई है। अब यहाँ पर नुकसान ना तो ट्विटर का ना ही एप्पल का नुकसान आप लोगों का ही है, और एप्पल इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन करता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को क्योंकि इतना ऑप्टिमाइज करते हैं। अब अगर हम लोग एंड्रॉइड की कैटेगरी के अंदर देख लेते हैं, तो गूगल के अलावा जितनी भी ब्रांड्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑलमोस्ट यूज़ कर रही होती हैं एंड्रॉइड को, उसको ऑप्टिमाइज नहीं करती, वो प्ले स्टोर को नहीं मैनेज करती हैं। एप्पल क्या करता है कि अपने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद लेके चलता है, खुद मैनेज करता है, उनका ऐप स्टोर खुद वो देख रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है डेवलपर्स बैठे हुए हैं, कॉस्ट आती है एक चीज़ की, तो इसलिए एप्पल इस चीज़ की वजह से कहता है कि भाई हमें 30% शेयर चाहिए अगर आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर रहना है। आप लोगों की क्या ओपिनियन इस चीज़ के बारे में आप बता सकते हो? पर्सनल तौर पर अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ तो ठीक है, लाइक कितना स्टेबल सिस्टम वो लेके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ कॉस्ट के साथ ही आती है, और हम लोगों ने हमें कुछ चाहिए नहीं है भाई। पेड शेड विंडो के ऊपर अगर आप लेते हो ना, या आई एम नॉट श्योर कि मैकबुक के ऊपर कितना होगा, लेकिन विंडो के ऊपर भी $7-8 ही हैं, तो आप विंडो वगैरह के ऊपर ले सकते हो अगर आपको अपने $4 पर मंथ बचाने हैं। तो इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है टेलीनॉर पाकिस्तान के बारे में। इससे पहले हम लोग इस चीज़ को 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि टेलीनॉर वाले पाकिस्तान से भाई छुट्टी करने के बारे में सोच रहे हैं, वो अपना बिजनेस बेचने के बारे में सोच रहे हैं। इस चीज़ को 1 से ज़्यादा दफ़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और काफ़ी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन अब ऑफिशियली तौर पर टेलीनॉर ने यह कह दिया हुआ कि भाई हम गई नहीं जा रहे, हम इधर ही हैं, हम हमारा जाने का कहीं पर कोई इरादा नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद रहेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। अब देखो यार, हम नहीं चाहते कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान से जाए, लाइक इस चीज़ को हम लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन भाई अगर आप कंपटीशन के अंदर हो ना, तो आपको फिर उस अप टू द मार्क आना ही पड़ेगा। मैं टेलीनॉर का कस्टमर हूँ, आप लोगों को मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताया कि जब टेलीनॉर लाइट जाती है ना, मतलब वापटा की लाइट चलेगी, टेलीनॉर के सिग्नल भी चले गए, इनके पास कोई पावर बैकअप नहीं है लाहौर के अंदर, और लाहौर का कोई इधर दूर दूर का इलाका नहीं है, मेन इलाके के अंदर इनके पास कोई जनरेटर, कोई UPS, कोई सोलर सिस्टम, किसी किस्म का कोई भी पावर बैकअप मौजूद नहीं है। लाइक अगर लाइट गई है ना, तो समझो आपके सिग्नल भी गए, आप ना कॉल कर सकते हो, ना आप मैसेज कर सकते हो, ना आपका 3G 4G, तो कहाँ पर ही चलना है। तो भाई अगर आपने कंपटीशन के अंदर रहना, इसी सेम एरिया के अंदर यूफोन का कोई इशू नहीं है, जैज़ का कोई इशू नहीं है, मतलब के सारे के सारे दूसरे जो नेटवर्क्स हैं जोंग वाले सब ठीक चल रहे होते हैं, उनके पास पावर बैकअप मौजूद हैं। तो इस तरह अगर आप लाहौर के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़ी सिटी के अंदर चलोगे, तो भाई आपका बिज़नेस ग्रो तो नहीं करने वाला, जाहिर सी बात है मेरी मजबूरी है, मैं नंबर अपना उस तरह चेंज नहीं कर सकता। तो आप करते रहें काम, लेकिन थोड़ी सी सर्विस को भी इम्प्रूव करें, ताकि लोग आपको ज़्यादा बिजनेस दे सकें। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन्स की प्राइजेज के बारे में। अब कल मैं मार्केट के अंदर गया भाई, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जितनी भी लाहौर की मार्केट है, स्पेशली तौर पर फीस सेंटर वाले, वो सारे के सारे स्विच हो रहे हैं आईफोन्स के ऊपर, आपको हर तरफ आईफोन्स ही आईफोन्स नज़र आएंगे। अब मुझे एक चीज़ की ये भी समझ नहीं आ रही कि इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा मुश्किल की हुई है गवर्नमेंट ने, तो इनके आईफोन्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि आपको फुल अल्ट्रा स्टॉक मिलेगा, हर फोन मिलेगा, लेटेस्ट फ़ोन मिलेगा। जो यूज्ड स्मार्टफोन की मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, वन प्लस के फ़ोन्स
सोनी के फोन्स मतलब कि जो किट फोन्स हैं वो भरे ही पड़ी हैं। पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ अब इस सेंस में ये है कि क्योंकि आपको पता है कि प्राइजेस स्मार्टफोन की पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, एलसीज ओपन नहीं हो रही, डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो फ़ोन मेड इन पाकिस्तान है जो कि हमें बाय करने चाहिए कंसिडरेबली मिड रेंज के अंदर, उनकी प्राइजेज इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अगर आप लोग एक स्मार्टफोन को देखते हो ना, वो अभी आया रिसेंटली, उसकी स्पेसिफिकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसी प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आपको एक साल पुराना फ़ोन अच्छी प्राइस के ऊपर अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ मिल रहा है, तो प्राइजेज इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हुई हैं कि मार्केट के अंदर किसी भी पर्सन के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो एक नए फ़ोन को बेचे, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी वियर्ड सीन चल रहा है। और जो प्राइजेज इंक्रीज हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि भाई एलसीज ओपन नहीं हो रही, डॉलर का जो रेट आपको गूगल के ऊपर नज़र आता नहीं, एक्चुअल रेट नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही रेट चल रहा है, पता नहीं 250 के ऊपर चल रहा है। तो इसी रीज़न की वजह से जब हम देखते हैं ना एक कंपनी ने सडनली प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया, तो पीछे वो वाली चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रही होती हैं, डॉलर का जो रेट है एक्चुअल रेट है ही नहीं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन वगैरह चल रही है। अब इसका जो सोल्यूशन है ना वो सिंपल सा एक यही सोल्यूशन है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरा मेस चल रहा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप समझ सकते हो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है ना वो 2012-13-14 वाली चल रही है, जब कंपनीज जो थी ना नई नई स्पेसिफिकेशंस को लेके आ रही थी, 720p डिस्प्ले, 90Hz डिस्प्ले, एक टाइम के ऊपर हमें 30,000 के ऊपर AMOLED डिस्प्ले 90Hz मिल रहा था। अब अगर एक कंपनी इसी स्पेसिफिकेशन के साथ कोई फ़ोन लॉन्च करती है ना पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी प्राइस 60-70,000 है, जो कि 30,000 के ऊपर आ गई थी पिछले साल के अंदर, तो ये पूरा स्नैरियो चल रहा है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।